और उसने हारी हुई श्रीलंका को शीर्ष पर ला दिया। कहानी श्रीलंका के नायक की, जिसने वो कर दिखाया जो 20 कप्तान ना कर सके। कहानी सबसे बड़े टीम मैन की, श्रीलंका का चाणक्य, जिसने उसे लड़ना सिखाया और उसने श्रीलंका को एक नई पहचान दी। अपने देश के लिए खेलने से पहले जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था तो वहाँ बहुत छक्के लगाता था ताकि सबके सामने खुद को साबित कर सकूं। और आज देखिए, मैं अपनी नेशनल टीम का प्लेयर हूँ, आज भी अपनी मर्जी से छक्के लगा सकता हूँ, कोई भी रिकॉर्ड बना सकता हूँ। पर पर्सनल रिकॉर्ड्स मैटर नहीं करते, टीम का जीतना मैटर करता है। हम अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, टीम के लिए ही खेलते हैं। ये शब्द मैं नहीं कह रहा दोस्त, ये शब्द है श्रीलंकन क्रिकेट के चाणक्य के, एक ऐसे हरफन मौला खिलाड़ी के, जिसने बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी एक बेहद ही हारी हुई श्रीलंकन क्रिकेट को उठाकर खड़ा कर दिया। अगर वो बल्ले से फेल होता तो गेंद से करिश्मा कर दिखाता, अगर दोनों से ही फेल होता तो अपनी जबरदस्त कप्तानी से हार को जीत में बदल देता। उस कप्तान का जर्सी नंबर 7 है, नहीं ये MS धोनी नहीं, ये श्रीलंकन क्रिकेट के एक लाजवाब कप्तान दासुन सनाका है, जिन्होंने श्रीलंका को एक ऐसा कमबैक कराया जिसकी किसी ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। एक ऐसी टीम जिस पर किसी को कोई आस विश्वास नहीं था, उन्होंने उस टीम को टॉप पर ला दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे, ये डाउनफॉल हुआ कैसे, और इतने खराब दौर के बाद सबकी उम्मीदें छोड़ने पर भी बिना किसी सपोर्ट के कोई ये सब कैसे कर सकता है। दोस्तों, अगर सेल्फ बिलीफ और अपनी काबिलियत पर विश्वास होना तो फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, आप ऐसे कारनामा कर ही दिखाते हैं और फिर ये दुनिया आपकी दिलेरी की गाथा सुनाती है। ये भी एक ऐसी ही गाथा है उस प्लेयर की, जिसको अपने करियर का कुछ अता पता नहीं था, लेकिन उसने श्रीलंकन क्रिकेट की धार बना दी। शनाका शुरुआती दिनों से ही अपनी पावर हिटिंग और कारगर बॉलिंग के चलते सुर्खियों में थे, जिसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब रेपुटेशन थी। वैसे तो उनका डेब्यू 2015 में T20 में हुआ था, वहीं ODI और टेस्ट में उन्हें 2016 में मौका मिला। ये श्रीलंकन क्रिकेट का सबसे मुश्किल दौर था, जब कुमार संगकारा, महिला जयवर्धन और तिलक रत्न दिलशान जैसे दिग्गजों के रिटायर होने पर इस टीम में ट्रांजिशन का दौर चल रहा था। ऐसे में अपने करियर के शुरुआती कई वर्षों तक वे खुद को स्टेबिलाईज नहीं कर पाए, टीम से उनका अंदर बाहर चलता रहा। उनकी इमेज एक इनकंसिस्टेंट स्लॉगर की थी, जो कि लोअर ऑर्डर में आकर कभी रन बना देता, कभी फेल हो जाता। लेकिन ये दौर श्रीलंकाई क्रिकेट का सबसे खराब नाइटमेयर था, जिससे वे चाह कर भी उभर नहीं पा रहे थे। किसी समय दिग्गजों से सजी हुई श्रीलंका आज दुनिया की सबसे फिसड्डी टीम बन चुकी थी, जो वेस्ट इंडीज तो कभी अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम से हार जाया करती। आलम कुछ ऐसा हुआ कि इतनी नीची रैंकिंग की वजह से श्रीलंका को वर्ल्ड कप खेलने से पहले क्वालिफायर खेलने थे। इससे बुरा टाइम शायद ना ही किसी क्रिकेट टीम ने पहले कभी देखा था, ना ही शायद इसके बाद कोई टीम देखना चाहेगी। 2015 वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका टीम के कुल 20 खिलाड़ियों ने कप्तानी की थी, मगर इतने खराब दिन देखने के बाद एक के बाद एक हर कप्तान की छुट्टी कर दी गई और आखिरकार मलिंगा के बाद 2021 में टीम की T20 कप्तानी दासुन सनाका को सौंपी गई। 2 महीने बाद उन्हें ODI का भी कप्तान बना दिया गया। कोई और प्लेयर होता तो इतने खराब हालात से गुजर रही टीम का साथ छोड़ देता, जैसे बाकी कई सीनियर प्लेयर्स कर चुके थे, लेकिन सनाका ने बड़ी ही हिम्मत के साथ इस टीम का हाथ थामा। और जुलाई में जब भारतीय टीम श्रीलंका आया तो 2-1 से उसे T20 सीरीज में शिकस्त दी। इस टीम में वानिंदु, हसरंगा, चामिका, करुणा रत्ने, असलंका, निशंका, अविष्का, फर्नांडो, राजपक्षे जैसे कई यंगस्टर्स थे, जिनको हर किसी ने राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन सनाका ने इन सब को बैक किया, इनमें इन्वेस्ट किया, इस कदर भरोसा दिखाया कि ये सब एकजुट होकर मुट्ठी बनकर परफॉर्म करने लगे। श्रीलंका ने 2021 के क्वालिफायर जीते, साथ ही वर्ल्ड कप में अपना पहला और आखिरी मैच भी जीता। चाहे वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए, लेकिन सनाका ने इस टीम में एक ऐसी आग, एक ऐसी मोटिवेशन भर दी थी कि हार कर भी ये टीम अब जीतना जानती थी। एक तगड़े डाउनफॉल के बाद अब श्रीलंका को उठना आ गया था। 2022 में तो हालात और बिगड़ चुके थे,
आर्थिक और राजनीतिक तंगियों ने श्रीलंका को हिलाकर रख दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई देश फॉरेन रेट का इंटरेस्ट तक भी पे नहीं कर पाया। हर वर्ष इन्फ्लेशन 50% से बढ़ रही थी। राशन हो या फ्यूल, हर चीज का अकाल पड़ चुका था। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। क्रिकेट तो दूर, खाने पीने के लाले पड़ चुके थे। एशिया कप की मेजबानी भी उनसे छीन कर दुबई जा चुकी थी, जहां कोई इंडिया तो कोई पाकिस्तान को विनर मान चुका था। श्रीलंका का किसी के जुबान पर नाम भी नहीं था, और अपना पहला मैच अफगानिस्तान से हार कर तो बिल्कुल भी नहीं। तब दासुन शानाका ने अपनी लीडरशिप में जर्सी नंबर 7 स्पेशल एक ऐसा कमबैक कर दिखाया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने एक कमजोर और बेहद ही युवा दिख रही श्रीलंका को एशिया कप जिता दिया अपनी स्ट्रेटेजी, कामनेस और टीम वर्क से। इसके बाद 2022 T20 वर्ल्ड कप में भले ही नामीबिया से हार मिली, लेकिन फिर कमबैक किया और क्वालिफाई किया। अपनी टीम को और घातक बनाने के लिए टीम में महेश थिक्साना और मलिंगा 2.0 पथिराना को भी शामिल किया। इसके अलावा 2023 वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई किया और 2023 में चल रहे एशिया कप के सुपर फोर में क्वालिफाई करके बांग्लादेश से अपने पहले मैच में जीत भी दर्ज किया। अपने पिछले 13 ODI मैचेस में लगातार हर बार सामने वाली टीम को ऑल आउट किया है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। आज श्रीलंका जिस भी मुकाम पर है उसका श्रेय शनाका को जाता है, जो कारनामा आज तक नामी खिलाड़ी नहीं कर पाए वो दासुन शानाका ने कर दिखाया। चाहे उनके आंकड़े देखने में ऐसे ही मामूली लगते हों, वे बल्लेबाजी करने काफी नीचे आते हैं, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, खुद के ऊपर टीम को रखना और हमेशा ही सेल्फलेस एटीट्यूड से खेलना श्रीलंकन क्रिकेट में एक खास पोजीशन रखता है। और जब कोई प्लेयर नहीं चलता तो शनाका का बल्ला गरजता है। वे अकेले ही हार को जीत में बदलने का दमखम रखते हैं। जब भी विश्व के लाजवाब कप्तानों की बात की जाएगी तो दासुन शानाका का जिक्र जरूर होगा, जिन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट को एक अनरियल पावर बना दिया। ये थी कहानी श्रीलंकन क्रिकेट के सबसे बड़े कमबैक और उसके नायक रहे दासुन शानाका की, जिसे आज हर कोई सलाम करता है।